वेलकम टू माय चैनल W2W बुटीक। आज मैं दिवाली स्पेशल आपको पटियाला कुर्ती ड्रेस बताऊंगी कटिंग करना। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर का। इससे हम पटियाला कुर्ती बनाएंगे। अगर आपको स्लीव्स लंबी चाहिए तो आप कपड़ा 1.5 मीटर ले लें। और पटियाला में कुर्ती की लंबाई शॉर्ट होती है, इसलिए ये 1 मीटर में आराम से बन जाएगी। छोटे बच्चों के लिए मैंने पहले ही पटियाला कुर्ती का वीडियो डाल रखा है, तो उसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और ये मैं आपको बड़ी लड़की का कुर्ती बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, इसका मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है। चेस्ट जिसका 28 है, कमर का जो गोलाई वाला भाग है वो 26 है, कमर का भाग है 31, और इसकी लंबाई हमें 31 रखनी है। ये हमारा मेजरमेंट है। इसमें हमें सीने का नाप और कमर का जो नाप होता है वो लेना होता है, लंबाई लेनी होती है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हमें कंधे का नाप लेना होता है 14 इंच, और बाजू कितनी रखनी है, मैं यहाँ पे 3 इंच की रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर बाजू की लेंथ ज़्यादा हो तो आपको कपड़ा आधा मीटर एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और इसका आर्म होल की जो गोलाई है वो 14 इंच है। चलिए, ये हमारे पास मेजरमेंट है कुर्ती का, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े को खोल रही हूँ। ये हमारे पास 1 मीटर फैब्रिक है। इसमें आराम से बड़ी लड़की की भी शॉर्ट कुर्ता आराम से बन जाएगा। और लॉन्ग चाहिए तो उसके लिए कपड़ा अलग ज़्यादा चाहिए, वो उसका मैं अलग वीडियो डालूंगी। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। ये देखिए, ये वाली लेंथ ही हम लेंगे। इसको एक बार और फोल्ड करना है। ये मेरे 4 फोल्ड हो गए हैं। अब हम इसके नाप का जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला ये जो हम प्लेन कपड़ा है इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें प्लेन कपड़ा यूज़ नहीं करना है। अब हमें फर्स्ट इसकी लेंथ लेनी है, तो 31 हमारे पास लेंथ है। ये देखिए, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अगर आपके पास कपड़ा कम है, थोड़ा सा 1 मीटर से और थोड़ा कम है, तो भी कोई बात नहीं, बन जाएगी कुर्ती आराम से। ये देखिए, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। पहले आप कपड़ा अलग कर लीजिए, जितना भी कपड़ा आपको चाहिए लेंथ के हिसाब से। उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप हेल्दी है तो ये आपके 1 मीटर में नहीं बनेगा, आपके 32 साइज तक ये बन जाएगा 1 मीटर में। चलिए, हमने इसको अलग कर लिया है। ये हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे बाद में, तो पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास बंद हिस्सा है और ये ओपन हिस्सा है। ये देखिए, खुला भाग है ये, और ये भाग हम जब कटिंग करेंगे तब कटिंग हो जाएगा, तो ये भी खुला हिस्सा हो जाएगा। अब इसका नाप हमारे पास था 28 इंच का, तो हमें 28 का 1/4 भाग लेना है। तो चेस्ट का साइज हमारे पास 28 है, तो उसका 1/4 भाग हम लेंगे। इसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन हमें फ्रेंड्स, अगर आपको कम मार्जिन चाहिए तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, नहीं तो 2 इंच लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्जिन तो होता है तो चलता है। ये देखिए, इस तरह से हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है, इतना कपड़ा हमें चाहिए। अब हम नेक का निशान लगाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कंधे का नाप भी चाहिए। अगर आपको ये बॉटनेक बनाना है या कॉलर वाला बनाना हो तो कंधे का नाप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सिंपल गला बनाएंगे तो ये कंधे का नाप नहीं होगा तो भी चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 2.5 इंच का लेना है गला बंद हिस्से से। ये हमने गले की मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमें कंधे का नाप लेना है। अगर आप कंधे छोटे पहनते हो तो आप कम ले सकते हो, 2.5 इंच। अब मैं ये गर्ल्स के लिए बना रही, तो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आजकल कंधे गर्ल्स शॉर्ट ही पहनती है। तो ये देखिए, कंधे की साइज़ मैंने ले ली है। अब ये टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 5 इंच आ रहा है। अब हमें आर्म होल की गोलाई के लिए 6 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पे 6 इंच तक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से भी आप वापस चेक कर ले कि 5 इंच ही होना चाहिए।
इस तरह से। अब हमें एक बॉक्स बनाना है, सिंपल सा बॉक्स बना रहे हैं हम। ये देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से वापस चेस्ट की मार्किंग करके मार्जिन रखना है, वो मार्किंग कर रहे हैं। ये चेस्ट का साइज़ है हमारे पास और ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए फिर इतना करने के बाद आपको जो आर्म सोल की गोलाई देनी है, इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड में डाउन करना है इस तरह से आधा इंच, और इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इससे आपके आर्म सोल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, कपड़ा लूज नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ से 2 इंच लेना है कॉर्नर से, ये देखिए इस तरह से, और आर्म सोल की गोलाई देनी है अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारी साइज है, जो हम साइज ले रहे हैं वहाँ से हमें लेना है, जो आर्म सोल की गोलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से नीचे की तरफ हमें लेना है। ये हम लेंगे जो हम चाक बनाएंगे कुर्ती में, वहाँ तक का निशान लेंगे कमर तक का। इसके लिए आप कंधे से लगाकर नीचे तक की लेंथ नाप सकते हैं जहाँ से आपको चाक बनाना है, और नहीं तो आप 14 इंच ले सकते हैं। लगभग सबके 13 इंच, 14 इंच, 13.5 इंच इतने ही आते हैं, तो 14 इंच आप ले लीजिए। इसके बाद आपको 14 का आधा करना है, यानी कि 7 पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कमर की गोलाई होती है वहाँ की मार्किंग करेंगे, इससे कुर्ती की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपके कमर की गोलाई अच्छे से नहीं बैठती है तो इसका एक ही रीज़न है कि आप कुर्ती में गोलाई नहीं देते हैं, और देते हैं तो भी कम देते हैं। इसलिए ये बात बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये समझिएगा अच्छे से। अब हमने यहाँ से 9 इंच लिया है, तो यहाँ से भी हमें 9 ही लेना है। इसके बाद देखिए मैं ये कम करके आपको गोलाई बता रही हूँ किस तरह से करेंगे। और यहाँ से हमारा नाप आया था 31, यानी 31 आया था, तो हमें ये 10.5 के लगभग लेना है। ये भी आप उसी तरह से सेम 1/4 कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स 10.5 लिया मैंने, तो सेम जिस तरह से हमने चेस्ट का 1/4 करके 2 इंच मार्जिन रखा था, उसी तरह से कमर का हमारे 31 है, तो 7.5 पे आएगा इसका 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, ये इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे कमर का जो 7 इंच पे निशान लगाया था, इसका हमें उसी तरह से जैसे हमारे 26 आया है, कमर की जो गोलाई का भाग 26 है, तो यहाँ पे भी हमें 26 का 1/4 करना है, उसके बाद 2 इंच मार्जिन रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स 26 का 1/4 6.5 होता है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरह से आपको लेना है। नहीं तो आप अगर इस तरह से नहीं ले रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 इंच माइनस भी कर सकते हैं गोलाई के लिए। अब आपको क्या करना है, जो आर्म सोल की गोलाई खत्म हो रही है वहां से लेना है इस तरह से। और ये हमारे फिटिंग का निशान रहेगा जो हम सिलाई में लेंगे, ये आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ये नहीं लगाना आपको। ये हमारी जो मार्किंग है, ये हमारी मार्किंग मेन रहेगी। इसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है, यहाँ से 10.5 का आया था, ये देखिए 10.5, तो यहाँ पे भी हमें एक मार्किंग 10.5 की लेनी है, बिकॉज ये हम शॉर्ट कुर्ता जब भी सिलते हैं स्ट्रेट रखते हैं या नीचे से राउंड रखते हैं, तो ये हमें स्ट्रेट चाहिए तो हम सीधा ले लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको वेस्टर्न वियर में गर्ल्स के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप हमारे WW बुटीक से हमारे इंस्टा पे और FB पे पेज बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, और वहाँ से आपको कुछ अगर पसंद आता है जीन्स टॉप गाउन कुर्तीज जो भी आइटम गर्ल्स के लिए होते हैं सारा हमारे वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप विजिट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको क्लोथ में, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो रिटर्न भी एक्सेप्टेड है, तो आप जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, कुछ शॉपिंग करिएगा दिवाली स्पेशल। ये देखिए फ्रेंड्स कटिंग हो गई है, अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक बैक पार्ट बनेगा और एक फ्रंट पार्ट बनेगा। अब फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 1 इंच एक्स्ट्रा गोलाई देनी है और ये 1 इंच गोलाई आपको जो भी हम सिलते हैं, जो भी कुर्तीज हो, टॉप हो, फ्रॉक हो, गाउन हो, जो भी सिलाई करते हैं सब में ये जरूरी है। इसकी हम गोलाई देंगे, ये गोलाई जो हम अंदर का मार्क लगाते हैं, ये देखिए अंदर वाला मार्क यहाँ तक देनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आम सोल की गोलाई कटिंग हो गई है। अब हम नेक की गोलाई कटिंग करेंगे, तो इसके लिए आपको जितना डीप चाहिए उतना पहन सकते हैं। अब आपको यहाँ से लेना है, मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ नेक, और यहाँ से 2.5, जितना मैंने यहाँ से लिया उतना ही मैंने यहाँ लिया है। ये यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स बना लिया है। अगर आपको फ्रेंड यहाँ से गला डीप चाहिए तो आप 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से आम सोल में हमने तिरछा करके मिलाया था इसी तरह मिला सकते हैं। अब इसमें हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है, और इस तरह आप गोलाई दे सकते हैं अच्छे से। इसको कटिंग कर लेते हैं। इससे गला सिंपल और बहुत ही सुंदर बनेगा फ्रेंड। ये देखिए इसको खोल के मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें ऊपर की साइड से वापस 2.5 इंच लेना है गले का मार्किंग, और आपको जितना डीप गला चाहिए उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9 इंच, ये देखिए यहाँ से मैं बढ़ा रही हूँ 1/2 इंच पहले से, बिकॉज बैक साइड का गला हमें डीप चाहिए। इस तरह से बॉक्स बना के 1/2 इंच की गोलाई देनी है। अगर आपको और ज़्यादा डीप रखना है तो आप इससे और ज़्यादा डीप रख सकते हैं। कटिंग का तरीका यही है फ्रेंड्स, इसी तरह से कटिंग करेंगे हम। ये बैक साइड के गले की कटिंग भी हो गई है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इस तरह से आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट साइड की कटिंग है हमारी कुर्ती की, और वो बैक साइड की कुर्ती की कटिंग है। अब इसके साइज का हम लाइनिंग कट कर लेंगे, मतलब अस्तर कटिंग कर लेंगे सेम, फिर मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो डालूंगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और इसका स्टिचिंग वीडियो के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका स्टिचिंग वीडियो डालूंगी, और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।